गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग मसल फिजियोलॉजी यानी पेशी कार्यकी का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। और अभी तक हमने मसल्स कितने टाइप के होते हैं, पेशियां कितने प्रकार की होती हैं, किस प्रकार वो एक दूसरे से भिन्न होती हैं, उनकी कार्यकी कैसी होती है, उसमें लगने वाले प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, उनके संघटक पार्ट कौन कौन से होते हैं, उनके संघटक प्रोटीन या दूसरे जो भाग होते हैं कौन कौन से होते हैं, सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ी है पिछले दो पार्ट में। आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करता कैसे है, यानी पेशियों में संकुचन की क्रिया कैसे होती है। जैसे देखिए, ये दो डायग्राम तो आपको इसी स्लाइड पे दिख रहे हैं कि एक में क्या है कि यहाँ पर एक बाइसेप मसल है, ये रिलैक्स कंडीशन में है यानी कि स्ट्रेस्ड यानी कि फैला हुआ है नॉर्मल कंडीशन में। हालांकि यहां भी इस पोजीशन में भी हाथ में रखने के लिए एनर्जी लगती है, लेकिन इसके लिए दूसरे मसल्स लगते हैं। फिर क्या होता है कि आप देखिए कि ये जो ट्राइसेप्स है इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन हुआ, जिसकी वजह से कि जो हथेली है ये इधर आ गई। तो आखिर ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ कैसे, हाउ दिस प्रोसेस वॉज एग्जीक्यूटेड, उसके पीछे की जो कार्यकी है, जो बायोकेमिस्ट्री है, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम आपके लिए नया नहीं है, आप देख रहे हो कि ये मायोसिन है जिसके बारे में हमने कल चर्चा की थी, और ये ग्रीन वाला है ये एक्टिन है। इसके ऊपर आप अगर ध्यान से देखें तो एक्टिन में फिर क्या है कि एक थोड़ा सा ये येलो कलर का ये वाला, ये आपको ट्रोपोमायसिन दिख रहा है जो एक्टिन के चारों तरफ ऐसे एक रस्सी की तरह रैप होता है, ठीक है। और ये ट्रोपो जो एक्टिन है, ये ऑब्वियस ही बात है कि ये अभी फाइब्रस एक्टिन के फॉर्म में है। और हमने आपको कहा था कि कुछ इसमें ज्वाइनिंग प्रोटीन होते हैं जो सारे टिश्यूज को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं, और उसका नाम था टाइटिन। तो ये देखिए टाइटिन का भी कैसे ओरिएंटेशन है, उनका विन्यास कैसे है, ये भी दिख रहा है। जेड लाइन आपको दिख रही है जिसमें एक्टिनिन नाम का प्रोटीन होता है। इसके अलावा ऐसा नहीं होता कि सार्कोलेमा में ये सीधे सीधे पड़े होते हैं, यहाँ भी इनको एंकर करने के लिए, इनको एक जगह से जोड़े रखने के लिए कुछ और भी प्रोटीन लगते हैं। जैसे ये एंकरिन प्रोटीन है, ये डेस्मिन है, ये डिस्ट्रोफिन है, ये सार्कोग्लाइकेंस है, सबके सब पेप्टिडो ग्लाइकेंस या ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो प्रोटीन और शुगर को मिल करके बनते हैं। तो ये प्रोटीन इनको स्थिर करते हैं। अब चलिए अगले डायग्राम में देखते हैं क्या है कि ये है सार्कोमियर। सार्कोमियर हम आपको बता चुके कि एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के बीच का जो स्पेस होता है ये सार्कोमियर कहलाता है। तो अभी सार्कोमियर जो है फैला हुआ है, मतलब उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो इतना है। क्यों? क्योंकि जो एक्टिन जो दोनों है एक दूसरे से, देखिए यहाँ पर एक डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस की वजह से क्या है कि जो सार्कोमियर का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा एक दूसरे से दूर है। फिर इसमें पार्शियल कंट्रैक्शन है यानी आंशिक रूप से संकुचन हुआ है। तो आप थोड़ा ध्यान दें तो पता चलेगा कि जो एक्टिन था ना पहले की तुलना में थोड़े नजदीक आ गए हैं, इधर वाला एक्टिन और इधर वाला जो एक्टिन है ये एक दूसरे की तुलना में नजदीक आ गए हैं, जिसकी वजह से कि यहाँ के बीच का लेंथ कम हो गया। फिर देखिए ये फुली कॉन्ट्रैक्ट में देखिए एक्टिन जो है नजदीक ही नहीं आए बल्कि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर गया, और बेसिकली स्लाइडिंग तो मायोसिन और एक्टिन के बीच में हो रही है, लेकिन ये दो एक्टिन भी आपस में स्लाइड कर रहे हैं। और ये जो थ्योरी है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, जो ये सिद्धांत है पेशी संकुचन का, जो ये सिद्धांत है, इसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ऑब्वियस ही बात है कि मायोसिन है और एक्टिन है, बोथ आर द फिलामेंट्स, मायोफाइब्रिल्स हैं ये, और ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। और ऐसे बहुत सारे आपने यंत्र देखे होंगे जिसमें कि उसके लेंथ को कम करने के लिए क्या होता है, दो पट्टियां आपस में स्लाइड करके एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं जिससे उनका लेंथ कम हो जाता है। फिर पट्टियां जब उस स्लाइडिंग कम हो जाती है एक दूसरे से अलग होती हैं तो उसका लेंथ बड़ा हो जाता है। तो द सेम प्रिंसिपल इज वर्किंग ऑन द मसल्स ऑल्सो। तो चलिए उसी का एक डायग्राम देखिए यहाँ पर, ये रिलैक्स है, ये पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन है, और ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन है।
अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हाँ, ये ऑब्वियसली जो पिछला डायग्राम हमने बताया था ना, उसी के हिसाब से है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड द फिलामेंट स्लाइडिंग, फिलामेंट की आपस में स्लाइडिंग कैसे होती है, तो यहाँ देखिए ये जो एक्टिन है एक दूसरे से कितना दूर है, जिसकी वजह से जो सार्कोमियर का डिस्टेंस ये है, लेकिन जब एक्टिन एक दूसरे के पास आ गया यहाँ पर, तो सार्कोमियर का डिस्टेंस कम हो गया, जिसकी वजह से कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गया, संकुचित हो गया, अब लंबाई में कम हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ऑलमोस्ट वही डायग्राम है यहाँ पर, लेकिन इस डायग्राम में एक चीज और है। अब देखिए कि यहाँ पर जो ग्रीन वाला है ये एक्टिन है, और जो ब्लू वाला है ये मायोसिन है। मायोसिन और एक्टिन के बीच में यहाँ पर आप क्रॉस ब्रिज देख रहे हैं, यानी जो मायोसिन है, ये मान लीजिए मायोसिन है और ये एक्टिन है, तो इसके बीच में आपको कुछ इस प्रकार के क्रॉस ब्रिजेस दिख रहे हैं। ये क्रॉस ब्रिजेस कैसे बनते हैं, अगर आपने कल का लेक्चर ध्यान से सुना हो तो आपको ध्यान होगा कि जो मायोसिन के जो हेड हैं S1, वो एक्चुअली यहाँ पर एंकरिंग का काम करते हैं, ये एक्चुअली इस तरह का क्रॉस ब्रिज बनाने का काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब ये थोड़ा सा एनलार्ज डायग्राम है कि ये दिस इज मायोसिन, ग्रीन वाला ये मायोसिन है, इसके ये हेड्स हैं, और हेड्स के का जुड़ाव किससे हो रहा है, ये एक्टिन का जो एक यूनिट था, ये फाइब्रस एक्टिन जो है बहुत सारे जी एक्टिन के यूनिट से बना है, तो ये जी एक्टिन वाले यूनिट के साथ जो मायोसिन है उसका हेड लगता है, ठीक है, और ये जुड़ता है, इसी प्रकार से क्रॉस ब्रिजेज बनते हैं। तो क्रॉस ब्रिजेज बनने के लिए जो हेड्स हैं वो ये हैं, देखिए जैसे यहां पर मैं बता रहा हूं, दिस इज द हेड ऑफ द क्रॉस ब्रिज, और यहां पर जो एक्टिन है ये अभी तो एफ एक्टिन के कंडीशन में, यहां पर आपको ना कुछ डॉट्स नजर आ रहे हैं, कलर डॉट्स, जिसको यहां पर एक्टिव साइट लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए एक्टिव साइट, तो दिस इज द साइट, ये वो जगह है जहां पर कि मायोसिन के हेड आकर के जुड़ते हैं। ये हमेशा जुड़े कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये जुड़ते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं यहां पर जुड़ते हैं, लेकिन जब ये मसल रिलैक्स कंडीशन में होता है तो ये ट्रोपोनिन जो रस्सी जैसी संरचना थी ना, ये जो रस्सी लाइक एक दूसरी जो एक फाइब्रस संरचना, ये आमतौर पर क्या करती है कि इसके सारे एक्टिव साइट को ब्लॉक किए रहती है, और इस एक्टिव साइट को जो ये ट्रोपोनिन ब्लॉक करता है, इसमें से तीन जो हमने आपको रेगुलेटरी प्रोटीन बताए थे ट्रोपोनिन, इनका योगदान होता है। ये ट्रोपोनिन का ऐसा विन्यास होता है जो क्या करते हैं, ट्रोपोमायसिन को एक्टिव साइट पर ला करके उस एक्टिव साइट को ऐसे ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से कि मायोसिन का हेड उससे जाकर के अटैच नहीं होता। सो बेसिकली द ट्रोपोमायसिन इज ब्लॉकिंग द साइट्स ऑफ एक्टिन वेयर द मायोसिन हेड्स गेट्स अटैच्ड। तो ये क्रिया कैसे हो रही है, देखिए यहाँ देखिए वो वही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर ट्रोपोनिन है, ये एक्टिन के ग्लोब्यूल्स हैं, सिंगल यूनिट्स हैं, इसके ऊपर जो ट्रोपोमायसिन है इसने साइट को ब्लॉक कर रखा है, और इसमें क्या किया गया है कि इस प्रकार से क्रॉस सेक्शन लिया गया है। क्रॉस सेक्शन में एक एक्टिन का जी एक्टिन ये है, दूसरा जी एक्टिन ये है, और इस पर ये ट्रोपोमायसिन लगा हुआ है। ऑब्वियस ही बात है कि दिस इज द एक्टिव साइट, मायोसिन की बाइंडिंग साइट, ये देखिए इसको क्या कर रखा है, ट्रोपोमायसिन ने ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करवाने में जो तीन यहाँ पर ट्रोपोनिन थे ना, TNT, TNC, TNI, इसको समझने के लिए अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कल वाला लेक्चर एक बार फिर से देख लेना, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो ये TNT है, TNC है, TNI, ये क्या कर रहा है कि ये जो ट्रोपोनिन है ना, इसकी इसको इसको ऐसे ऐसे पोजीशन कर देता है एक्टिव साइट पे, जिससे ये एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाते हैं, एंड नाउ दिस एक्टिव साइट बिकम्स अनअवेलेबल टू बाइंड्स विद द मायोसिन हेड। ये एक्टिव साइट जो है मायोसिन के हेड से बांधने के लिए उपलब्ध नहीं रहते। तो ये देखिए ये हेड्स हैं, और ये थिन फिलामेंट है जो एक्टिन है, और ये संरचना तो आपके लिए नई नहीं है। तो आगे चलिए प्रोसेस शुरू कैसे होता है देखते हैं सबसे पहले कि हाउ दिस प्रोसेस स्टार्टेड। ऐसा नहीं हो कि मसल जो बिना मतलब का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना होता। जब तक कि कोई नर्व इंपल्स, जब तक कि कोई तंत्रिका आवेश वहां तक नहीं जाता, तब तक मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। जब तक हमारे स्केलेटल मसल्स को आप कमांड नहीं देंगे, ब्रेन हमारा नर्वस सिस्टम जब तक कमांड नहीं देता, आदेश नहीं देता
कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, तब तक कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया नहीं होगी। इवन जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वहाँ भी जो न्यूरल कमांड से ही सारी चीज़ें होती हैं, जो पर्टिकुलरली जो कंट्रैक्शन या पेशी संकुचन की क्रिया होती है, ये जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो विद्युत आवेश के रूप में जो आदेश आते हैं उनके क्रियान्वयन के तहत होता है। अब देखिए, ये है एक न्यूरॉन संरचना आपके लिए नई नई ऑब्वियस सी बात है। ये देखिए, ये साइटॉन है, ये मोटर न्यूरॉन है और इसके डेंड्राइट्स हैं। ये डेंड्राइट जो है फैल करके ये क्या करते हैं, न्यूरल बटन जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, न्यूरल प्लेट कहलाता है ये। और ये न्यूरल प्लेट धसा होता है सार्कोलेमा के अंदर। ये जैसे ये सार्कोलेमा, ये संरचना हम कल खूब डिस्कस कर चुके, और ये बीच में ये मायोफाइब्रिल्स हैं, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये दूसरे कुछ ब्लड कैपिलरीज और सारी चीजें हैं। तो इसके ऊपर ये जो संरचना है, जो कि एक न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है वो किस प्रकार से एम्बेडेड है, धसा हुआ है, किसमें, सार्कोलेमा में। तो ये जो पोजीशन है इसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। दिस इज द जंक्शन। जंक्शन वो जगह जहां दो अलग अलग रूट आके जुड़ते हैं। सो जो नर्व है और जो पेशी कोशिका है, मायोसाइट है, इनका जहां पर जुड़ाव होता है उसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और जो मैंने कहा ना कि पेशी संकुचन के लिए जो कमांड आता है ना, इसी न्यूरल आवेश से आता है, तो इसलिए इसका जुड़ना अत्यावश्यक है। तो ये तो एक ग्रॉस डायग्राम है, लेकिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसको हम न्यूरल प्लेट भी कहेंगे, ये यहाँ पर है। और देखिए न्यूरल मस्कुलर जंक्शन के नीचे क्या होता है कि बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर, जो ब्लैक, ये जो दिख रहा है ना आपको ब्राउन कलर का, ये ऐसा नहीं है। होता क्या है कि न्यूरो ये जो प्लेट है इसको, ये ऐसा है, और उसके नीचे जो सार्कोलेमा होता है ना, सार्कोलेमा, उसमें क्या होता है, उसमें इस प्रकार की संरचनाएं बनी हुई है। सार्कोलेमा जो है उसमें ऐसी संरचना बनी हुई है। तो इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे समझिए, और इसके अंदर कुछ रिसेप्टर्स वगैरह होते हैं, कुछ ग्राही प्रोटीन होते हैं जो वहां से आने वाले इम्पल्सेस को पहचानने का और उसके प्रति रेस्पॉन्ड करने का काम करते हैं। तो अगर आपने न्यूरॉन का अध्ययन किया है तो आपको पता होगा कि दो न्यूरॉन्स के बीच में एक जगह होती थी जिसको हम कहते थे सिनेप्स, है ना, या सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते थे उसको। और होता क्या है कि यहां से यहां तक, मतलब न्यूरॉन के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो न्यूरल मैसेज आएगा, जो तंत्रिकीय संवाद संदेश आएगा, वो तो आता है कंडक्शन या चालन की क्रिया से, और उसमें एक क्रिया होती है जिसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन साइकिल, जिसमें कि होता यह है कि इसमें नॉर्मली तो अंदर नेगेटिव होता है और बाहर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, लेकिन कुछ चैनल खुलते हैं जिसकी वजह से अंदर पॉजिटिव हो जाता है और बाहर निगेटिव हो जाता है। तो ये क्रिया चलती रहती है। ये खास तौर से जब हम ये नर्व कंडक्शन जब पढ़ेंगे ना, हम नर्वस सिस्टम वाले यूनिट में, तो वहाँ हम आपको समझाएंगे। वैसे आपने खूब पढ़ रखा होगा इसको स्कूलों में भी कि तंत्रिका चालन की या तंत्रिका संवहन की क्रिया क्या होती है। तो यहाँ से यहाँ तक तो पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन से आता है, जैसे मैंने आपको कहा। लेकिन ये जो ये है ना, ये डेंड्राइटिक वेजाइकिल है। ये डेंड्राइटिक वेजाइकिल के अंदर कुछ पदार्थ भरे होते हैं। ये जो पदार्थ भरे होते हैं इसको कहते हैं हम सिनेप्टिक वेजाइकिल्स कहते हैं यहाँ पर। इसके अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स नाम के कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं। होता क्या है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ रिलीज होते हैं, और रिलीज होने के बाद क्या होता है कि इनके क्या कहते हैं, यहाँ पर जो ग्राही प्रोटीन है यहाँ पर जाके लगते हैं, फिर ये कोशिका रिस्पॉन्ड करती है। फिर जो कंडक्शन वाली साइकिल है ना, पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन वाली, ये साइकिल अब सार्कोलेमा में चलती है। ये नर्व्स की बजाय कहाँ चलेगी, सार्कोलेमा में, और ये कहीं भी चल सकती है, किसी भी कोशिका में। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि कोई भी जो कोशिका होती है, अगर आपने फर्टिलाइजेशन भी ध्यान से पढ़ा हो फर्स्ट ईयर में, तो आपको ये पता है कि जो ओवम होता है, अंडाणु होता है, वहां भी ये क्रिया होती है। प्रत्येक कोशिका जो हमारे शरीर की होती है ना, उसके मेम्ब्रेन के नीचे का जो आवेश होता है वो -70 mV होता है, यानी निगेटिव होता है, और उसको डिस्टर्ब कर किया जाता है नर्व कंडक्शन के टाइम में, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ तो निगेटिव चार्ज था, लेकिन जैसे ही मैसेज आता है तैसे नीचे वाला पॉजिटिव हो जाता है और ऊपर वाला निगेटिव हो जाता है। इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। ये डीपोलराइजेशन की क्रिया आगे बढ़ती है और फिर उसकी वजह से आगे क्या होता है, ये कथा हम आगे सुनाएंगे आपको। तो देखिए क्या हो रहा है, ये
ये जो है ना, ये डेंड्राइट्स है। आप पहले, अभी सबसे पहले इसको देखिए, आप जो मैं इंगित कर रहा हूं, ये डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स पर ये जो प्लेस है, दिस इज द प्लेस ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और जो ब्लू वाली लाइन वाला जो ये बाउंड्री आपको दिख रहा है, ये सार्कोलेमा की बाउंड्री है। इसके अंदर क्या है कि सिनेप्टिक वेजाइकल्स हैं, यानी कि कुछ थैलियां हैं जिसके अंदर की न्यूरो ट्रांसमीटर्स भरा हुआ है। लेकिन ये न्यूरो ट्रांसमीटर ऐसा नहीं होगा कि बिना मतलब वो रिलीज होंगे यहां से, ऐसा नहीं होगा। ये न्यूरो ट्रांसमीटर को रिलीज होने के लिए क्या करना पड़ता है कि यहां से जो कैल्शियम आयन है ना, उसको अंदर आना पड़ता है। क्योंकि जब तक कैल्शियम आयन नहीं होगा, तब तक ये जो वेजाइकल्स हैं ये इसके साथ जुड़ेंगे नहीं। और जुड़ने के बाद फिर क्या होता है कि ये जो बीच का, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, जो बीच वाला ये पार्ट, ये जो दोनों मेम्ब्रेन है उनमें आपस में फ्यूजन हो जाता है, जिसकी वजह से कि इसका कंटेंट इसमें आ जाता है। मतलब ये जो न्यूरल वेजाइकल्स हैं, ये डेंड्राइट्स के मेम्ब्रेन से आकर के जुड़ते हैं, और जुड़ करके इसका मेम्ब्रेन और इसका मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज कर जाता है, जिसकी वजह से कि इसके अंदर जो न्यूरो ट्रांसमीटर भरे हुए हैं, जो पदार्थ भरे हुए हैं, एसिटाइल कोलीन है, नॉरेपिनेफ्रीन है, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन है, ये कुछ ऐसे न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं जो मतलब इस यहां से लेकर के मैसेज को यहां तक जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले जैसे ही आपका जो तंत्रिका तंत्र है वो काम करने के लिए, सबसे पहले कि जैसे ही यहां पर पोलराइज ये आता है ना, जैसे मान लीजिए कि अभी शुरू में ये नेगेटिवली चार्ज था, लेकिन जब डीपोलराइजेशन हुआ तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा ना, तैसे इसके कैल्शियम चैनल खुल जाएंगे और यहां से कैल्शियम अंदर आएगा। कैल्शियम जो अंदर आएगा वो क्या करेगा, इस वेजाइकिल को, इस जो प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट वाला जो ये पहला प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसके साथ इसको जोड़ देता है। और इसके फ्यूजन की वजह से क्या होता है कि इसके यहां क्या लिखा हुआ है, ACH, यानी एसिटाइल कोलीन, एक बहुत ही प्रोमिनेंट न्यूरो ट्रांसमीटर है। फिर एसिटाइल कोलीन जो जाएगा, तो मैंने जैसे कहा था ना, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स यानी ग्राही प्रोटीन। तो ये ग्राही प्रोटीन कहाँ लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं प्लाज्मा प्लाज्मा लेमा पे। तो जैसे ही आकर के ACH या एसिटाइल कोलीन यहाँ पर लगता है, फिर क्या होती है, जैसे मैंने कहा कि जो डीपोलराइजेशन की क्रिया यहां हुई थी ना, उसी प्रकार से पहले तो ये नेगेटिव था, लेकिन इस मेम्ब्रेन के अंदर, सार्कोलेमा के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जो नर्व इम्पल्स है विद्युत आवेश के स्वरूप में जो आया है, उसका प्रोपेगेशन होगा इस सार्कोलेमा पे। तो इसी को यहाँ समझाया गया, देखिए प्री सिनेप्टिक टर्मिनल है, यहाँ पर सिनेप्टिक वेजाइकिल है, ये इसकी इसका मेम्ब्रेन है। जैसे कैल्शियम आता है तो क्या होता है, ये इसके साथ जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद एसिटाइल कोलिन रिलीज किया यहाँ पर, ये इसके रिसेप्टर्स पे लगा। और ऐसा नहीं होगा कि जो भी न्यूरोट्रांसमीटर, ये हमेशा नहीं बना रहेगा। ऐसा नहीं होता कि आप जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कोई काम करना शुरू करते हो तो मसल कॉन्ट्रैक्ट ही करते नहीं रह जाते, जब तक कि आप इच्छा के हिसाब से नहीं कर रहे हो। मसल को जब कॉन्ट्रैक्शन बंद करना होता है तो क्या होता है, इस न्यूरो ट्रांसमीटर्स को यहां से डिग्रेड करना पड़ता है। फिर क्या होता है कि एसिटाइल कोलीन को अपघटित करने वाला एक एंजाइम है जिसका नाम है एसिटाइल कोलीन स्ट्रेज, जो क्या करता है, कोलीन को और एसिटिक एसिड को अलग कर देता है। फिर ये जो इसके एक्साइटेशन की क्रिया है ना, इसके इसको जो उद्दीपन करने की जो क्रिया है, ये समाप्त हो जाती है और कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाता है। वही चीज यहाँ लिखी हुई है, देखिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ये इसके सिनेप्टिक वेजाइकल्स हैं जो जा करके इसके मेम्ब्रेन से लगेंगे यहाँ पर, ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है, ये सिनेप्स, यहाँ पर जा करके एस्टाइल कोलिन रिलीज हुआ। एस्टाइल कोलिन जैसे रिलीज हुआ तो इस सार्कोलेमा में क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एंड प्रोपेगेटेड अलॉन्ग द सार्कोलेमा डाउन द टी ट्यूब्यूल। टी ट्यूब्यूल आपने देखा था। अब ये जो डीपोलराइजेशन वाला जो एक्शन पोटेंशियल है, जो पॉजिटिव चार्ज मेम्ब्रेन के नीचे है, नॉर्मली ये क्या होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होंगे। मैंने आपको पहले बताया कि -70 मिलीवोल्ट का चार्ज होगा, लेकिन जैसे ही कोई आवेश आता है तो क्या होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। क्यों पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जल खूब सारा पोटेशियम आयन अंदर आने लगता है। ये पॉजिटिवली चार्ज जैसे ही होगा ना, तब तब ये चार्ज पहुंचेगा यहां पर। इसको ये क्या है, ये आपको कल मन में बताया था, ये क्या है, दिस इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर मैंने कल आपको बताया था कि दिस इज द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। यहां से कैल्शियम जो होता है तेजी से रिलीज होता है। और होता क्या है कि आमतौर पर इस सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन होता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली
10 टू द पावर माइनस 5 मोल, ठीक है, यानी कि 1 लाख, एक मोल का 1 लाखवां भाग। ये क्या करता है, कैल्शियम का कंसंट्रेशन कम से कम 1000 गुना बढ़ जाता है, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6, ये कर जा करके करीब, मतलब कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन था अब ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 3, मतलब ये इसकी तुलना में ये 1000 गुना ज्यादा है। यानी सार्कोलेमा में भी जो कैल्शियम की मात्रा थी वो कम से कम 1000 गुना बढ़ जाती है, और उस कैल्शियम के बढ़ने के कारण क्या होता है कि ये जो ट्रोपोनिन जो रेगुलेटरी प्रोटीन थे वो एक्टिव हो जाते हैं, और उसके एक्टिव होने के बाद आगे की क्रिया हम बता रहे हैं आपको। तो ये देखिए क्या हुआ कि सिनेप्टिक टर्मिनल है, यहाँ से एसिटाइल कोलिन गया, एसिटाइल कोलिन जो है इसके रिसेप्टर पे बाइंडिंग हुई, इसके कारण टी ट्यूब्यूल ने यहाँ जो है विद्युत आवेश गया, इसने सार्कोप्लाज्म को एक्टिवेट कर दिया और यहाँ के सारे कैल्शियम चैनल खुल गए, जिसकी वजह से कैल्शियम का की मात्रा बड़ी तेजी से एलिवेट हो गई, राइज हो गई, और इसके एलिवेट होने की वजह से जो क्या होता है कि जो एक्टिव साइट जो ब्लॉक था ना ट्रोपोमाइसिन वर्ग, वो एक्टिव साइट खुल जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि अब मायोसिन के हेड वहां पर जाकर के लग जाते हैं, ठीक है। मायोसिन के हेड के लगने के बाद फिर क्या होता है, वो स्लाइडिंग की क्रिया कैसे होती है इसको हम आगे की स्लाइड में समझते हैं। तो जैसे क्या क्या हो रहा है देखिए, सामान्य तौर पर ये रेस्टिंग सार्कोमियर है, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कैल्शियम नहीं, कुछ नहीं आया है ना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कैल्शियम रिलीज नहीं किया है क्योंकि कोई विद्युत आवेश नहीं आया है जिसकी वजह से टी ट्यूब्यूल का पोलराइजेशन नहीं है। तो आप देखिए कि ये जो एक्टिव साइट है वो सारे के सारे ब्लॉक है, जहां पर कि ये मायोसिन का हेड जहां जुड़ता वो जगह पर क्या है, अभी ये जगह, ये जो ब्लॉक है, ठीक है, मायोसिन हेड है, मतलब मायोसिन हेड इज सेपरेट, मतलब इट इज, दिस इज सेपरेटेड फ्रॉम द पोजिशन वेयर इट अटैचेस टू द एक्टिन, एक्टिन में जहां पर अटैच होता है वहां से ये अलग है ना। उसके बाद क्या होता है कि कैल्शियम की मात्रा बढ़ी, कैल्शियम की मात्रा बढ़ने के बाद ये एक्टिव साइट जो है जहां पर कि अटैच होते हैं, ये हर जी प्रोटीन में होता है, यानी कि जो जी एक्टिन में होता है, यानी कि जितने भी एक्टिन के यूनिट्स आपको दिख रहे हैं सब में एक्टिव साइट है। कैल्शियम के आने के बाद सबसे पहला काम तो ये हुआ, ये एक्सपोज हो गया, मतलब नाउ इट इज अवेलेबल फॉर बाइंडिंग विद द हेड ऑफ मायोसिन, ठीक है। अब क्या होता है कि यहां पर फिर एक और चीज चाहिए, अभी तक जो था ये जो हेड था ना वो इस पोजीशन में था, ये जो ये पोजीशन जैसे पीछे जो मुड़ा हुआ पोजीशन है ये लो एनर्जी पोजीशन है, हेड जो था ये क्या था, लो एनर्जी पोजीशन में, यहां पर आकर के एक एटीपी आया, एटीपी आने के बाद एटीपी डिग्रेड हुआ, बदल गया किसमें, एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और ये जब एटीपी में बदलता है तो क्या होता है कि ये इसका जो हेड है ये कॉकअप हो जाता है हाई एनर्जी पोजिशन में, ये जो है हाई एनर्जी पोजिशन में, मतलब ये हाई एनर्जी पोजिशन में आकर के इससे अटैच हो गया। अब जाहिर सी बात है कि आपने अगर थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता है कि जो भी मॉलिक्यूल होता है, आयन होता है, या पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या कोई भी चीज ऐसी है, हर एक जो चीजें हैं वो जो सिस्टम है बेसिकली वो हमेशा ही लो एनर्जी रेस्टिंग फेज में रहना चाहता है। तो ये यहाँ पर कॉकअप होकर के जुड़ गया, जुड़ने के बाद फिर क्या हुआ कि ये एडीपी और पी को निकाल देता है बाहर और ये वापिस कॉकअप करके पीछे चला जाता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए यहां पर कोई हेड लगा ऐसे और ये हेड अगर पुल करके पीछे की तरफ जा रहा है, तो अगर ये हेड यहां से पुल करके ऐसे इस कंडीशन में जा रहा है तो ऑब्वियस ही बात है क्या करेगा, अपने साथ साथ एक्टिन को भी पुल करेगा पीछे की तरफ, करेगा ना। तो ये जो पुलिंग होती है इसकी वजह से स्लाइडिंग होती है, और ये क्रिया एक बार नहीं होती, एक बार ये पुल करेगा फिर यहां पर कोई एटीपी आके लगेगा, फिर ये सीधा होगा, फिर दूसरे एक्टिन जी एक्टिन को पकड़ेगा, उसको पुल करके पीछे करेगा, तीसरे को पकड़ेगा, तीसरे को करेगा, तो इस प्रकार से स्लाइडिंग की क्रिया होती है। तो जैसे आपको मैंने बताया कि स्टेप टू क्या है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, कैल्शियम के आने के बाद देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज एंड बिसाइड दैट द एटीपी आर आल्सो कमिंग अलोंग हियर टू गिव सम एनर्जी टू दिस प्रोसेस।
एनर्जी होने की वजह से क्या होगा, इसका जो हेड था ये कॉक अप करके हाई एनर्जी कंडीशन, ये हाई एनर्जी कंडीशन है, ठीक है। और यहां पर कैल्शियम है, जब तक ये क्रिया चलती है, जब तक ये कैल्शियम है तब तक सारे साइट एक्सपोज रहेंगे। कैल्शियम जैसे यहां से हटाओगे सारे साइट जो है फिर से ब्लॉक हो जाएंगे। तो कैल्शियम जिस प्रकार से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा छोड़ा गया है, मुक्त किया गया है, रिलीज किया गया है, उसी प्रकार से सारे कैल्शियम जो है वापस भी चले जाते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और फिर जो कैल्शियम का कंसेंट्रेशन बढ़ा है ना सार्कोप्लाज्म में, ये कैल्शियम फिर से घट जाएगा, फिर से ये डाउन हो जाएगा, 1000 गुना जो बढ़ा है वो फिर 1000 गुना डाउन भी हो जाएगा। लेकिन जब तक कैल्शियम है तब तक ये जी एक्टिन के सारे एक्टिव साइट जो है ये एक्सपोज है, एंड दिस इज रेडी फॉर बाइंडिंग विद द हेड ऑफ मायोसिन, राइट। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि पहले ये यहां था, इससे जुड़ा हुआ था, अब क्या हुआ, एटीपी जैसे रिलीज किया तैसे ही अब लो एनर्जी पोजीशन में चला गया। लो एनर्जी पोजीशन में जाने के लिए क्या हुआ, ये टिल्ट करके ऐसे चला गया। टिल्ट करके ऐसे गया तो ये एक्टिन पहले यहां हुआ करता था, ऑब्वियस सी बात कि ये एक्टिन पहले यहां हुआ करता था, लेकिन अब ये पुल करके यहां पहुंचा दिया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट साइकिल, ये तो एक साइकिल हुई, फिर नेक्स्ट साइकिल में फिर ये क्या होगा, फिर इस पर एटीपी लगेगा, एटीपी लगने के बाद फिर ये हाई एनर्जी में आ जाएगा, फिर ये जुड़ेगा, क्रॉस लिंकिंग फिर होगी, फिर ये वापिस जाएगा। तो जो स्टेप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है ना, इसको मैं समराइज किया है मैंने यहां पर, इसको मैं पढ़ देता हूं, आप लिख लेना चाहे, ये नोट्स ही है, और इतना अगर आपने समझ लिया तो आपको आपको ये पता चल गया कि पेशी के संकुचन की कार्यकी क्या होती है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैसे काम करती है। तो नर्व इंपल्स ट्रेवल्स टू द न्यूरो मस्कुलर जंक्शन इन अ मसल सेल, मसल सेल के जो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है वहां पर जो प्रीसिनेप्टिक क्लेफ्ट है वहां तक जो इंपल्स आता है, इंपल्स मतलब जैसे मैंने कहा डीपोलराइजेशन का एक वेव आता है, यानी कि जो न्यूरॉन था, न्यूरॉन के अंदर जो अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज था वो तेजी से पॉजिटिव चार्ज में बदलता है जब भी कोई नर्व इंपल्स आता है, और पॉजिटिव चार्ज में इसलिए बदलता है जैसे कोई नर्व इंपल्स आता है वहां पर क्या होता है कि फॉर द मिली सेकेंड, एक सेकंड के हजार में हिस्से के लिए क्या होता है कि जितने कैल्शियम चैनल है ना सारे खुल जाते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि ये मान लीजिए अगर सेल मेम्ब्रेन है तो जो कैल्शियम में बोल गया गलती से सॉरी, दिस इज सोडियम आयन, सोडियम आयन जो है अंदर की तुलना में करीब करीब इधर, अगर इधर एक है तो इधर 14 है, मतलब इन कंपेरिजन टू द इन साइड ऑफ द सेल द कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इज 14 टाइम्स मोर इन द एक्सटीरियर ऑफ द सेल। कोशिका झिल्ली के बाहर की तरफ जो सोडियम आयन है इसका कंसेंट्रेशन 14 गुना ज्यादा होता है, तो ऑब्वियस ही बात है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके कोई रास्ता ही नहीं बेचारे के पास, ऑल द सोडियम गेट्स आर क्लोज्ड। अब और ये क्या करता है कि इस स्थिति को बनाने के लिए कि इधर जितना सोडियम इधर है उसके 14 गुना बाहर की तरफ है, उसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ पढ़ा था ना फर्स्ट ईयर में, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करता है कि हालांकि इधर सोडियम कम ज्यादा है लेकिन फिर भी सोडियम को बार बार ये भेजता रहता है बाहर की तरफ। अब जैसे ही कोई नर्व इंपल्स आता है ना तो बीच बीच में क्या होता है कि सोडियम के कुछ चैनल्स हैं, कुछ ऐसे गेट्स हैं जिसके जरिए कि सोडियम अंदर आ सकता है, वो गेट्स मिली सेकेंड के लिए खुलते हैं और सोडियम आयन तेजी से अंदर आता है। सोडियम आयन के तेजी से अंदर आने की वजह से क्या होता है कि अंदर का चार्ज जो नेगेटिव था, अंदर का चार्ज जो नेगेटिव था वो धीरे धीरे पॉजिटिव होने लग जाता है, और पॉजिटिव होकर के फिर नेगेटिव होगा ये, लेकिन वो ये जैसे कि मान लीजिए कि -70 मिली वोल्ट है, ये क्या करता है ये चार्ज बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते करीब करीब +15 या +20 के आसपास हो जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि नर्व इंपल्स जैसे ही आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो क्या होता है कि वहां तक जैसे नर्व इंपल्स आएगा तो फिर क्या होगा, वहां कैल्शियम के आयन खुल जाएंगे, जो सिनेप्टिक वेजाइकल्स है वो उस प्री सिनेप्टिक जो क्लेफ्ट है, प्री सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है वहां पर जाकर के उसका फ्यूजन हो जाता है, और वहां पर क्या हो जाता है, क्या वहां पर होता यह है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है जैसे एसिटाइल कोलिन हमने देखा था वो रिलीज हो जाता है, और वो रिलीज होकर के क्या होता है
सार्कोलेमा पर जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं उनसे अटैच होता है। जैसे ही एसिटाइल कोलिन बाइंड करता है अपने रिसेप्टर से, फिर वहां पर वही क्रिया चालू हो जाती है डीपोलराइजेशन की, मतलब वहां फिर कैल्शियम चैनल सारे खुलने लग जाएंगे और जो अंदर जो नेगेटिव चार्ज था, सार्कोलेमा के अंदर जो नेगेटिव चार्ज था, ये चार्ज तेजी से पॉजिटिव चार्ज में बदल रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज में जब बदलता है तो सार्कोलेमा वाला पॉजिटिव चार्ज फिर कहता ये लिखा हुआ है, सोडियम आयन डिफ्यूज इनटू द मसल फाइबर एंड डिपोलराइजेशन कंटिन्यूज, ये अध्रुवीकरण की क्रिया आगे बढ़ती है। ये आपने पढ़ रखा है पहले भी, मैं रिपीट कर रहा हूँ। डिपोलराइजेशन क्रिएट्स अ वेव ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ये क्या करता है कि एक एक्शन पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, विद्युत आवेश है, ये सार्कोलेमा के पूरे मेम्ब्रेन में फैलाता है। और इस मेम्ब्रेन में फैलने की वजह से, क्योंकि जो टी टिब्यूल्स था, जो ट्रांसवर्स टिब्यूल था, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सार्कोलेमा, सो दिस एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स अक्रॉस द सार्कोलेमा एंड रीचेस डाउन टू द टी टिब्यूल्स और द ट्रांसवर्स टिब्यूल। फिर जो फिर क्या करता है कि वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रायड, आपने कल बताया था आपको कि जो भी टी टिब्यूल होता है उसके दोनों तरफ क्या होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्ना होते हैं, टर्मिनल सिस्टर्ना। तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचता है, वहां से तेजी से कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं। कैल्शियम आयन जब तक राइज नहीं करेगा तब तक मसल कंट्रैक्शन की क्रिया होगी नहीं। नाउ द कैल्शियम आयन बाइंड्स विद ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन सी, विच एक्चुअली रिमूव्स द ब्लॉकिंग एक्शन ऑफ ट्रोपोमाइसिन फ्रॉम द एक्टिन बाइंडिंग साइट। जो मैंने कहा कि एक्टिन पर जो मायोसिन के साथ बाइंड करने वाला जो साइट है वो ब्लॉक किया रहता है ट्रोपोमाइसिन से, और उसको ब्लॉक कराने में ट्रोपोनिन का योगदान होता है। तो जो ट्रोपोनिन सी है वहां पर जाके जैसे ही कैल्शियम लगेगा वहां पर कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा, वहां के जो संरचनात्मक विन्यास है या स्थिति है वहां परिवर्तन होगा, ट्रोपोमाइसिन वहां से हट जाता है एक्टिन साइट, मायोसिन इज नाउ रेडी टू बाइंड विद द एक्टिन। अब मायोसिन एक्टिन से बाइंड करेगा और क्रॉस ब्रिज बनाएगा, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस को शुरू करते हैं। फिर क्या हुआ, इन ऑर्डर टू कॉन्ट्रैक्ट एटीपी बाइंड्स टू मायोसिन, एटीपी हमने देखा था मायोसिन के साथ बाइंड किया, एटीपी इज देन हाइड्रोलाइज, एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाता है किसमें, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, जो मायोसिन को एनर्जी देता है टू कॉक इट सेट टू द हाई एनर्जी पोजिशन, जो इसके हेड को कॉक करके हाई एनर्जी पोजिशन पर ले आता है। नाउ द एक्टिन एंड मायोसिन बाइंड्स टूगेदर टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज, जो हमने बताया था। Now, what happens? The myosin head then pulls the actin filament inward, अंदर की तरफ खींचता है, and release the ATP and inorganic phosphate and returns to the low energy position, जो झुका हुआ position था ना, जो state की बजाय झुका हुआ position था उसकी तरफ ये जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो actin filament है वो खींच जाता है। Myosin is now ready for more ATP to bind. जैसे लो पोजिशन में गया फिर से एक एटीपी लग गया, फिर वो सीधा हो गया, फिर आके आगे वाले एक्टिन के एक्टिव साइट से जाके क्रॉस ब्रिज बनाया, फिर ये मुड़ गया। तो इस प्रकार से एक एक करके एक्टिन को धीरे धीरे करता है, लेकिन ये क्रिया सारे सब की सब जो मिली सेकेंड के अंतराल में होती है इसलिए आपको पता नहीं चलता, लेकिन ये क्रिया जो है बेसिकली एक के बाद दूसरे ऐसे ग्रेजुअली होने वाली प्रक्रिया है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, कोई अगर प्रॉब्लम होती है, आपको समझने में कोई दिक्कत होती है, देन डू आस्क मी। Thank you very much.